सो हेलो वेलकम टू आवर चैनल. और आज देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, करवा चुका हूँ मैं आपको. बस अब इसके अंदर बताना ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्कडन कितना होगा. एक टॉपिक है वर्कडन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो बताना है. एक चीज़ सुनो, इस चैप्टर के अंदर एक तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर. एक तीन नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा और हाँ दो तीन तीन नंबर के बड़े क्वेश्चन आएंगे और एक चार नंबर का क्वेश्चन आएगा. तो जो चार नंबर का क्वेश्चन है वो दो टॉपिक से आ सकता है, या तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक मैं आपको आगे करवाऊँगा वर्क डन इन एडायबेटिक प्रोसेस, इन दोनों में से एक में से आएगा और आप आराम से कर सकते हो. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, काफ़ी एलिमेंट्री टॉपिक है तो इसको थोड़ा अच्छे से करना. देखो एक चीज़ देखो आप, ये मैंने करवा दिया था क्या उस दिन आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन 2.303 NRT log T1/T2 शायद मैंने करवा दिया था. एक बार चेक करता हूँ मैं, एक बार रुको. ठीक है, ये करवा दिया था मैंने जो आइसोथर्मल प्रोसेस है. आज उसके बाद देखते हैं एडायबेटिक प्रोसेस लास्ट है. एडायबेटिक प्रोसेस ये स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये सुनो, एडायबेटिक प्रोसेस होती कौन सी है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट कंजर्व रही, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ना तो एनर्जी बाहर से अंदर जाए और ना एनर्जी अंदर से बाहर आए. ठीक है, चलो मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ. ठीक है, इसको छोड़ो एक बार. एक तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग. एक तो होता है ओपन सिस्टम. ये टॉपिक के शुरू में था बट मैंने ये मिस कर दिया. एक होता है क्लोज सिस्टम. ठीक है, दो ही मिनट का है, सुनो, उसके बाद में ऊपर वाला टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं. और तीसरा होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम. तीन होते हैं. सबसे पहले देखो ओपन सिस्टम क्या होता है. ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर से हीट अंदर आ सके जा सके और अंदर से बाहर मैटर भी आ सके जा सके. जैसे एग्जांपल दे, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कोई तालाब है, ठीक है, तो जब बारिश होगी तब तालाब के अंदर से जो पानी है वो ऊपर से पानी बरस के तालाब के अंदर जमा हो सकता है. यानी पानी एक पदार्थ है और पदार्थ है वो तालाब के अंदर आ भी सकता है. और धूप पड़ने से सारा पानी है वो इवेपोरेशन के माध्यम से तालाब से बाहर भी जा सकता है, मतलब पानी है वो वेपर बन के उड़ भी सकता है. यानी मैटर आ भी सकता है, मैटर जा भी सकता है. और अगर ऐसा काम है तो उस सिस्टम को अपन लोग क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को अपन बोलेंगे ओपन सिस्टम. अच्छा, उसके अंदर हीट भी आ जा सकती है. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो पानी है वो रात को ठंडा हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो पानी के ऊपर की हवा है थोड़ी सी वो भी ठंडी होगी. यानी पानी से थोड़ी सी ठंडी है वो किस में आ गई, हवा में आ गई. और अगर पानी दिन में गर्म होगा तो उसके ऊपर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा क्या होगा, गर्म. यानी हीट भी आ जा सकती है. यानी सूरज पानी को गर्म भी कर सकता है और ठंडा भी कर सकता है बाहर से, और हीट भी आ जा सकती है. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हीट भी आ जा सके मैटर भी आ जा सके उसको क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम. ठीक है, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम के अंदर मान लो आपका कोई कुकर है, ठीक है, आप जिसके अंदर खाना वगैरह पकाते हो, प्रेशर कुकर है. प्रेशर कुकर के अंदर मान लो आपने आपने अपना भोजन बनाया, मान लो आपने आलू की सब्जी बनाई, ठीक है, तो अब अगर आप उसका ढक्कन लगा के और उसको गैस पे आप रख दोगे तो उससे होगा क्या, आपकी सब्जी गर्म होगी. यानी गैस है वो अपनी हीट किसको दे रहा है, प्रेशर कुकर को दे रहा है. हीट तो दे रहा है पर यानी हीट का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, बट क्या सब्जी से आलू है वो बाहर उड़ सकते हैं भाप बन के, नहीं. या बाहर से कुछ पदार्थ है वो अंदर आ सकता है,
तो आप बोलोगे नहीं, तो मैटर का ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हो रहा, और अगर वहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वो कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। यानी क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे मैटर का ट्रांसफर है वो पॉसिबल नहीं है, और क्या पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ ये आपको ध्यान में रखना है, मैटर का ट्रांसफर ना हो, सिर्फ हीट हीट का ट्रांसफर हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अब क्लोज सिस्टम, है ना। एक चीज़ और ध्यान में रखो यहाँ पे, एक चीज़ ये ध्यान में रखो कि अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, देखो इसके अंदर तो प्रेशर कुकर का एग्जांपल था ना, वो थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर सीटी होती है ऊपर, तो उससे पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो खैर बाहर निकलती रहती है, बट अगर आप और किसी चीज़ का एग्जांपल लोगे तो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक फ्राइंग पैन था और उसके ऊपर एकदम ऐसे कोई प्लेट दे दी कि इनके बीच में बिल्कुल भी सरफेस नहीं है, यानी आपने एक सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो क्लोज सिस्टम। कुकर है वो, कईयों को ये हो सकता है और सही भी है कि कुकर के तो सीटी होती है, सीटी के होल होता है तो वहाँ से पानी है वो जाता है, कई बार वेपर बन के है, तो मे बी आप सही हो उससे। उसके बाद में अगर बात करें तीसरा, तो आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिससे ना तो मैटर बाहर जा सके और ना हीट बाहर जा सके, तो ऐसे सिस्टम को अपन लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का अगर एग्जांपल दूँ तो आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे टाइप के चाय के थर्मस आते हैं, ठंडे पानी के थर्मस आते हैं, तो उनसे पानी भी बाहर नहीं जाता, चाय भी बाहर नहीं जाती, और वो ठंडे या गर्म भी नहीं होते जल्दी से। जैसे अगर थर्मस के अंदर आप चाय डाल दोगे तो काफ़ी टाइम तक वो ठंडी नहीं होगी थर्मस के अंदर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको भी बताया कि थर्मस के अंदर जो चाय है उसकी जो हीट है वो उसके अंदर ही बनी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे हमें यह फ़ायदा होगा कि वो चाय हमारी गर्म रह जाएगी और एनर्जी है वो बनी रहेगी। तो एनर्जी बाहर ना निकले उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? उसको अपन लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा जिससे ना मैटर बाहर जा सके और ना हीट बाहर जा सके, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का ही दूसरा नाम है एडायबेटिक सिस्टम। ठीक है, यानी ऐसा सिस्टम जिससे हीट का, जिसके अंदर की एनर्जी क्या बनी रहे? कॉन्स्टेंट बनी रहे। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, दुनिया के अंदर कोई भी 100% परफेक्टली एडायबेटिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप चाय की केतली है उसके अंदर अगर आपने चाय वगैरह को रखा, ठीक है, मान लीजिए कि वो एक मिनट ठंडी नहीं होगी, वो दो मिनट ठंडी नहीं होगी, बट वो कभी ना कभी, मतलब एक घंटे ठंडी नहीं होगी, दो घंटे, पाँच घंटे ठंडी नहीं होगी, लेकिन वो कभी तो कभी ठंडी होगी ना। इसका मतलब उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी हीट तो बाहर जा रही है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर जिससे बिल्कुल भी हीट नहीं बाहर जाए। एक सिस्टम ऐसा मानते हैं जिसके अंदर ना तो कोई हीट आ रही है और ना बाहर जा रही है, यूनिवर्स, ऐसा साइंटिस्ट है वो विश्वास करते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर जो कुछ है वो कॉन्स्टेंट है, मैटर है। ऐसा आपने एक रूल पढ़ा होगा कि यूनिवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी है वो वेरिएट नहीं करती, जितनी थी उतनी है, बस मैटर एनर्जी में चेंज होता रहता है, एनर्जी मैटर में चेंज होती रहती है, बट समय वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। यानी हमेशा से जो आपका यूनिवर्स है उसकी एनर्जी क्या है? उसकी एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स की एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्स एक एडायबेटिक सिस्टम मानते हैं। प्रूफ नहीं है अभी कोई। ठीक है, अभी कोई इतना प्रूफ नहीं है कि ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि देखो कॉस्मोलॉजी है उसका कोई एंड भी नहीं है, काफ़ी नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, और वैसे भी कॉस्मोलॉजी है वो काफ़ी बड़ी ब्रांच है। ठीक है, तो अभी तक इतनी कॉस्मोलॉजी के अंदर इतना नहीं, देखो दो ब्रांच होती है, एक ब्रांच तो होती है जिसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स, ठीक है, जिनमें स्पेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक होती है कॉस्मोलॉजी जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, हमने काफ़ी अपने स्पेस शटल भेजे हैं, अपने स्पेस रॉकेट भेजे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने उपग्रह जिनको आप बोलते हो सैटेलाइट भेजे हैं, हाँ मे बी वी हैव डेवलप्ड टू फार, बट हमने यूनिवर्स को इतना नहीं जाना है। कॉस्मोलॉजी अभी भी काफ़ी लिमिटेड है और इसमें साइंटिस्ट लोगों को, मतलब सभी को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
तो कहने का मतलब हुआ एडायबेटिक सिस्टम कैसा हुआ, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर की एनर्जी क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। और ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में ना एनर्जी बाहर जाए ना बाहर से एनर्जी अंदर आए उसको क्या बोलेंगे, एडायबेटिक प्रोसेस। यानी डायरेक्टली एडायबेटिक प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, एडायबेटिक सिस्टम से। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एडायबेटिक सिस्टम प्रोसेस क्या होती है। एडायबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से ना तो एनर्जी बाहर से अंदर आए ना अंदर से एनर्जी बाहर जाए, वो सिस्टम की एनर्जी कॉन्स्टेंट बनी रहे, उसको क्या बोलेंगे, एडायबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए एडायबेटिक प्रोसेस जो है ना, एडायबेटिक प्रोसेस उसके अंदर आप लगाओ Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में W, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल। अब इसके अंदर आप एक चीज देखो, इसके अंदर सिस्टम की एनर्जी है सिस्टम्स Q वो क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। अगर सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है तो सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आएगा dQ वो कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं ये लिखूं dQ इज इक्वल टू dU प्लस में dW, तो यहाँ dQ जीरो हो गया, dU प्लस में dW इज इक्वल टू जीरो, dW इज इक्वल टू कितना, माइनस dU। तो ये रिजल्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और ये रिजल्ट एक ही प्रोसेस में आता है और वो कौन सी है, एडायबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इस रिजल्ट से मीन क्या निकलता है, मीन क्या हुआ इसका, या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एडायबेटिक सिस्टम है ना उसके अंदर की एनर्जी कांस्टेंट है। यानी अगर आपको उसको कोई काम करवाना होगा, कोई एडायबेटिक सिस्टम है उससे आपको कोई काम करवाना होगा तो उसके अंदर की एनर्जी कांस्टेंट है, आप बाहर से तो उसको एनर्जी दे ही नहीं सकते, वरना तो उसके अंदर की एनर्जी क्या नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। भी मान लो ये कोई एडायबेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये बाहर से ना एनर्जी ले सकता ना अपनी एनर्जी बाहर दे सकता, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, 5 जूल। अब आप चाहते हो कि ये सिस्टम वर्क करे, और जब कोई सिस्टम से वर्क करवाना पड़ता है तो रूल है कि उसको हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इसको तो बाहर से एनर्जी दे ही नहीं सकते क्योंकि ये लेगा ही नहीं, ये सिस्टम ही कौन सा है, एडायबेटिक। आप चाय का थर्मस है, चाय की केतली है, उसको बाहर से आप गर्म करना स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केतली ना सो जाएगी दस जाके, ठीक है। बहुत से सिस्टम होते हैं ऐसे एडायबेटिक जिनको अगर आप बाहर से एनर्जी दोगे उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो ख़राब हो जाएंगे, बाकी वो लेंगे नहीं एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो आपका होता है ना चाय का थर्मस होता है उसमें यहाँ आप चाय भरते हो, यहाँ उसमें कॉटन भरी होती है रुई, ठीक है, ऐसे यहाँ फिर फोम भरी होती है, यहाँ होती है लकड़ी। अब देखो लकड़ी है वो आपको पता है, लकड़ी है वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों की इंसुलेटर है, लकड़ी में करंट नहीं आता और ना लकड़ी से हीट पास होती, लकड़ी को आप ज़्यादा हीट दोगे तो वो जल जाएगी, जैसे आप लकड़ी को जलाते हो उसमें लकड़ी है वो पिघलती नहीं फैलती नहीं। देखो असल में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क करने का डायरेक्टली मीन यही है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क को ये थोड़ी है कि आपको सिस्टम चल के दिखा देगा, आपको वो गैस है वो चल के दिखा देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क करने का डायरेक्टली मीन ये है कि जो सिस्टम के अंदर जो गैस भरी है ना वो या तो आपको फैल के दिखा देगी या आपको कम होके दिखा देगी, ठीक है। बट यहाँ तो देखो लकड़ी है, लकड़ी को आप कितना भी गर्म कर लो वो ना फैलती ना कुछ और होता, ठीक है। रुई है उसको आप कितना भी गर्म कर लो उसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो लास्ट जाके ये सिस्टम खराब हो सकता है जल सकता है, बट एडायबेटिक सिस्टम कभी बाहर से हीट नहीं लेता। तो अगर कल को एडायबेटिक सिस्टम कोई वर्क करेगा भी तो वो खुद की इंटरनल एनर्जी को, खुद की इंटरनल एनर्जी को कम करके करेगा। ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, बाहर से एनर्जी नहीं दे सकते एडायबेटिक सिस्टम को, और अगर कल को अगर कोई काम करवाना चाहो तो काम कैसे करवाओगे,
उसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी है ना, मतलब उसके अंदर खुद की एनर्जी है, उसी एनर्जी को वो 5 जूल से 4 जूल कर लेगा, कम कर लेगा। ये माइनस दिखा रहा है कि जब भी वो वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी को कम कर लेगा, 1 जूल कम कर लेगा, 4 बना लेगा, और वो 1 जूल का क्या कर देगा, वर्क कर देगा, बट बाहर से एनर्जी नहीं देगा, खुद की एनर्जी को ही कम करके क्या देगा, वर्क देगा। दैट इज द एडियाबेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए एडियाबेटिक सिस्टम के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, और तो मैं एक बार देखते हैं भी इसके अंदर अगर कुछ है और बताने वाला, तो हाँ बताने वाला तो बहुत कुछ है, बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एडियाबेटिक सिस्टम है वो होता है। अब हम देखते हैं एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर वर्कडन क्या होगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर वर्कडन क्या होगा वो देखते हैं। सुनो एक चीज़, एक बार एडियाबेटिक सिस्टम के वर्कडन को छोड़ो, आपने एडियाबेटिक सिस्टम समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। एक बार यहीं तक करना है, यहाँ से आगे मैं चैप्टर को मूव ऑन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नए नए टर्म आएंगे। एक तो आएगा गामा, आपको अब तक ये नहीं पता है कि गामा क्या होता है। दो टर्म आएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये तुम लोगों को शायद ही पता है। ठीक है, एक टर्म आएगा इसके अंदर, मैं अगर आपको बताऊं तो लॉगरिदम ऑफ आर पी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सारे टर्म आप अभी नहीं जानते, तो मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैं अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप ही बोलोगे कि ये किस लाइन में आ गए हम। ठीक, तो इससे अच्छा तो मैं आपको पहले एक चीज़ करवाता हूँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है